उनकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए इसलिए बोझ ड्रामा के नेक्स्ट एंड लास्ट एपिसोड में दिखाते हैं कि अमल और रिहान की शादी करवा दी जाती है अमल अपना केस भी जीत जाती है जबकि जहीन की भी डेथ हो जाती है जहीन को तो दिलशाद बेगम ख़ुद ही गोली मार देती है और अमल रिहान की शादी करवा दी जाती है। रिहान और अमल की शादी में भी हाथ ज़्यादातर कासिम साहब का है जबकि पहली शादी जहीन से भी कासिम साहब ने ही अमल की करवाई थी लेकिन जहीन लोगों ने अमल को बहुत तंग किया और अब कासिम साहब भी समझ चुके हैं सोनिया मैडम को बहुत ही अच्छे से वो पेश आ रहे हैं पहले कासिम साहब भी सोनिया मैडम को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे और अमल को भी अपने घर नहीं आने देते थे जब कासिम साहब को अटैक आया तो उस वक्त और कोई भी कासिम साहब का पूछने के लिए नहीं पहुंचा, जबकि अमल और सोनिया मैडम ही थी जिन्होंने कासिम साहब का ख्याल रखा और अच्छे से इनकी देखभाल की उसके बाद कासिम साहब भी समझ गए कि यही हैं मेरे लिए जो मेरा इतना एहसास करते हैं फिर अमल का साथ भी इन्होंने दिया उस केस में और कुछ गवाहान भी पेश किए अमल की तरफ से जबकि अमल केस तो जीत गई जहीन का जो अंजाम हुआ वो भी सामने आ गया और दिलशाद मैडम का अंजाम भी सामने आ गया जबकि दिलशाद मैडम ने अपने ही बेटे को जान से मार दिया और अब वो पागल खाने में है जबकि उसे कोई भी बात याद नहीं है वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान सकती है कि इस कदर वो कोमा में चली गई है जबकि रिहान ने अब अमल को परमिशन भी दे दी है अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए और अमल बहुत खुश है